हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम मैथ्स पे लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें टॉपिक होगा हमारा सरल समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम दिनांक, कक्षा सात है, वादन, विषय गणित, उपविषय बीजगणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे सरल समीकरण डबल लाइन और डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, छात्रों को गणित की नियमों व शर्तों से परिचित कराना, छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी देते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। फिर नेक्स्ट डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा, छात्र छात्राएं सरल समीकरण से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक हो जाएगा कि तथ्यों को समझ सकेंगे और प्रयोगात्मक संबंधित ज्ञान का प्रयोग प्रश्न हल करने में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री डालेंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, संकेतक, चार्ट आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे, डालेंगे पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राओं को जोड़, घटाव, गुणा, भाग व बराबर आदि चिन्हों का ज्ञान है। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, तालिका बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला है कुछ वास्तविक संख्याओं के नाम बताइए, तो बच्चा बताएगा कि 2, 6/4, √2, -8 आदि कोई सी भी संख्या है। 2 को x से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो बच्चा बताएगा कि 2 को x से गुणा करने पर 2x प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 2x में 5 जोड़ने पर क्या बनता है, तो 2x में 5 जोड़ने पर 2x + 5 बनता है। 2x + 5 को y के बराबर रखने पर क्या मिलेगा, 2x + 5 को y के बराबर रखने पर 2x + 5 = y मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है 2x + 5 = y क्या है, तो मौन, बच्चों को आंसर नहीं पता होगा और समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। यहीं से उद्देश्य कथन हो जाएगा कि छात्रों आज हम सरल समीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में वही तालिका बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट कार्य और मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु हमने लिए सरल समीकरण, छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे, 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है एक्स वाई जेड क्या है, तो बच्चा बताएगा कि एक्स वाई जेड चर राशियाँ हैं। सेकेंड हो जाएगा समीकरण क्या है, तो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, प्रथम पक्ष बाईं ओर आता है जिसे वाम पक्ष या LHS कहते हैं, तथा दूसरा पक्ष दाईं ओर आता है जिसे दक्षिण पक्ष या RHS कहते हैं। इन दोनों पक्षों के मध्य बराबर का चिन्ह लगा होता है और दोनों पक्षों का मान सदैव समान होता है। एग्जाम्पल 5x - 6 = 4, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। इसी तरह इसमें m/3 = 2, ये LHS हो गया और ये RHS। 3x = 9 और 3n + 7 = 1 आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। यहाँ पर हमने इसकी विधि लिख दी, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। यहाँ हमने चार्ट द्वारा बच्चों को प्रदर्शित किया। चार्ट में हमने 2 तराजू बनाए हैं जिसका जो समान भार पर है। तो लिखा है कि एक संतुलित समीकरण तराजू जैसी होती है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बाँट रखे हों। दोनों पलड़ों में बराबर बाँट है, मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर होता है एक संतुलित समीकरण में। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ देंगे सी में से कि सरल समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो बच्चा बता देगा कि 2 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे समीकरण के उत्तर की जांच करना, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है 5x - 7 = 6 क्या है। अब ऊपर बच्चे को पता चल गया कि समीकरण क्या होता है, तो वह यहाँ आसानी से बता देगा कि ये एक समीकरण है। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे, उसी तरह तालिका बनी है 7 कॉलमों की। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि समीकरण के उत्तर की जांच किस प्रकार की जाती है, जो कि बच्चे को नहीं पता होगा। अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि समीकरण के उत्तर की जाँच करने के लिए हम एक समीकरण 3x - 7 = y मान लें। अब 7 को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दें तो हमें 3x = 5 + 7 प्राप्त होगा। 7 के आगे माइनस था और दूसरी साइड ले जाने पर साइन चेंज हो जाएगा, तो +7 हो गया, अर्थात 3x = 12 प्राप्त होगा। तब x = 12/3 = 4, अतः हमें x का मान 4 प्राप्त हुआ।
यह मान समीकरण के बाएं पक्ष में रखेंगे तो हमें 3 × 4 − 7 = 12 − 7 प्राप्त होगा। 12 में से 7 घटाने पर 5 प्राप्त होता है जो कि दाएं पक्ष के बराबर है, अतः LHS = RHS, अतः यह उत्तर X = 4 सही है। इधर लिखेंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा श्यामपट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, यहाँ पे विधि लिख देते हैं। सामने प्रश्न पूछे थे तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान किया था तो व्याख्यान विधि, यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड द्वारा दिखाया तो यहाँ लिख दिया श्यामपट विधि। ब्लैक बोर्ड में हमने क्या करा, दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि, प्रकरण, ये एक इक्वेशन को सॉल्व करके बता दिया और इसके उत्तर की जाँच भी कर दी। बगल में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्स का मान उक्त समीकरण में कितना प्राप्त हुआ था, तो बच्चा ब्लैक बोर्ड से देख के उसने कॉपी में नोट किया होगा तो बता देगा कि 4 प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है LHS किसके बराबर होता है, तो RHS के बराबर होता है। नेक्स्ट पेज में अब हम कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य देंगे, जिसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को प्रश्न हल करवाएंगी, श्यामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगी और कक्षा में घूम घूम कर सभी के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न है 13x + 6 = 32 को हल करो तथा उत्तर की जाँच भी करो। सेकेंड क्वेश्चन है कि 3x − 4 = 8 में x का मान क्या है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।